हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। एंड मैं हूं आपकी दोस्त मंजू। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस वाले मिरर वाले हैंग को बनाने की वीडियो लेकर आई हूं गाइस। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर लिया था। उस वाले पार्ट में मैंने ऊपर का डिज़ाइन बता दिया है, जिसमें हमें रिंग में डिज़ाइन कैसे डालना है। एंड जो ऊपर का हमारा बाकी सारा डिज़ाइन है, मैंने सब कुछ आपको बता रखा है। एंड इस वाले पार्ट में मैं आपको जो मिरर है उसे फिक्स करना बताऊंगी। एंड नीचे के जो हमारे पॉकेट है उसे बनाना बताऊंगी गाइस। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये आप देख सकते हो, मैंने इस प्रकार से अपने मिरर को पिछले वीडियो में यहाँ तक बता रखा था। एंड स्टिक लगा रखी थी नीचे वाला, एंड यहाँ तक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया था। एंड इसके बाद से मैं अब इसे पलट दूंगी आगे के डिज़ाइन के लिए। जो हमारा मिरर है उसे हमें फिक्स करना मैं आपको बता रही हूँ। सो इस प्रकार से आप उल्टा कर लोगे। और यहाँ पर मैंने कॉर्ड लिया है, ये हमारा 4 मीटर का कॉर्ड है। मैंने 4 मीटर के कॉर्ड कट किए हैं। एंड जो हमारे फर्स्ट वाली रिंग है, जो फ्रंट के तरफ थी, उस वाले रिंग पर मैं ये कॉर्ड को अटैच कर रही हूँ। ये आप देख सकते हो, इस साइड भी हमें इसे इस प्रकार से अटैच करना होगा। सो इस प्रकार से कॉर्ड को मैंने डबल करते हुए यहाँ अटैच कर लिया है। एंड सेम इस साइड भी हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। तो मैंने दोनों तरफ आप देख सकते हैं कॉर्ड को अटैच कर लिया, और ये दोनों कॉर्ड हमारे 4-4 मीटर के थे। और जब ये हमारे पास दो कॉर्ड दिखेंगे आपको, तो एक को आपको बैक वाली रिंग पर लपेटा लगाना है, इस प्रकार से निकाल लेना होगा। ये आप देख सकते हो, मैंने एक कॉर्ड को बैक की तरफ निकाल लिया है। एंड एक कॉर्ड से हम फ्रंट की रिंग पर लपेटा लगाएंगे। तो दो कॉर्ड हैं और आपको ऊपर नीचे दोनों वाली रिंग पर लपेटा लगानी है। सो इस प्रकार से आप लपेटा लगाओगे गाइस, बहुत ईजी है। ये आप देख सकते हो, मैंने काफ़ी तरीके से रिंग अटैच की है, बट ये वाला तरीका सबसे ज़्यादा ईजी है, इसलिए मैं आपको ये वाला तरीका बता रही हूँ गाइस। अगर आप भी ट्राई करोगे तो बहुत ईजी से ये वाला रिंग अटैच हो जाता है। इस प्रकार से आपका जो मिरर बहुत ही आसानी से अटैच होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं लपेटा लगा रही हूँ, और मैं यहाँ पर 8 या 10 टाइम लपेटा लगाऊंगी। शुरू में आपको 8 या 10 टाइम मैंने लपेटा लगाया, बट बाद में मैंने 8-8 हर रो में एक एक 8-8 टाइम लपेटा लगाया। तो ये आप देख सकते हो, मैंने इसी प्रकार से यहाँ पर पूरे रिंग को अपने कवर कर लिया, यहाँ तक जो हमारे फर्स्ट यहाँ पे इतने दूर तक मैंने कवर कर लिया है। इसमें हमने 10 टाइम लपेटा लगाया है। एंड इसके बाद से हम इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से जो बैक फ्रंट की रिंग थी, बैक में ले जाएंगे, और बैक की रिंग को फ्रंट पर ले जाएंगे। इस प्रकार से एक दूसरे से क्रॉस कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से मैंने क्रॉस कर दिया है। सो इस प्रकार से आपको क्रॉस कर लेना होगा, तो आपके मिरर जो हैं हमेशा फिक्स होते जाएंगे इस प्रकार से। एंड अब जो हमारी ये वाली कॉर्ड है, इससे हम इस प्रकार से लपेटा लगाएंगे। और इस बार मैं 8 टाइम लपेटा लगा रही हूँ, 8 बार। पहली बार हमने 10 बार लगाया था, उसके बाद हम 8-8 टाइम लपेटा लगाएंगे। ये आप देख सकते हो, मैंने 8 टाइम लपेटा लगा लिया। फिर से मैंने क्रॉस कर दिया है। जो हमारी बैक की रिंग कॉर्ड थी, उसको हमने फ्रंट वाले रिंग पर ले गए हैं, और जो फ्रंट वाली रिंग है कॉर्ड है, उसको हम बैक वाली पर ले गए हैं। इस प्रकार से आप क्रॉस करते जाओगे तो यहाँ पर आपके बहुत अच्छे से जो मिरर है वो फिक्स होती जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हो, क्रॉस में कनेक्शन होता है, इस प्रकार से क्रॉस हो जाता है। तो बहुत ही ईजी से इस प्रकार से यहाँ पर आप मिरर देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मिरर अटैच होता है, बिल्कुल भी बिना प्रॉब्लम के। और दोनों साइड आपको करते हुए चलना है गाइस यहाँ पर, ताकि आपके मिरर जो इधर उधर ना हो। तो मैं दोनों एक तरफ मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और मैं आपको यहाँ पर बहुत ही एक टिप देने वाली, एक खास टिप, जो इसको आप फॉलो करोगे तो आपको मिरर अटैच करना बहुत इजी हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, मैंने पूरा कवर कर लेने के बाद यहाँ पर हमारे जो कॉर्ड एक्स्ट्रा थी, उसे मैंने बस सिंपल से नॉट लगा दिया, ताकि वो खुले ना। एंड जो इस साइड है, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, अगर आप इस वाली टिप को फॉलो करते हो गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको मिरर अटैच करना। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, जो बैक साइड का हमारा कॉर्ड है, उससे हम बैक साइड की तरफ इस प्रकार से लपेटा लगा रहे हैं। बहुत ईजी से आपको 8 या 7 टाइम यहाँ पर मैं लपेटा लगा रही हूँ। अब जैसे फर्स्ट में हमने 10 टाइम लपेटा लगाया था, उसके बाद से हर रो में मैंने 8-8 टाइम लगाया। उसके बाद से जब नीचे के जैसे जैसे आप आओगे, तो 6-7 इस प्रकार से लपेटा लगते जाएंगे। सो यहाँ पर बैक साइड की जो कॉर्ड थी, हम बैक साइड से लपेटा लगाएंगे। एंड जो फ्रंट साइड की कॉर्ड है, अगर आप उसको फ्रंट साइड से लपेटा लगाते हो, इस प्रकार से मैं आपको दिखाती हूँ, ये अगर आप ऐसे लपेटा लगाते हो ना, बहुत ही इजी से लग जाता है गाइस, ट्रस्ट मी। आपको बस एक यहाँ पे टिप्स का मेरे ध्यान रखना होगा, जब आप बैक साइड की रिंग पर लपेटा लगाओ तो बैक साइड से लगाओ, और फ्रंट साइड की रिंग पर लपेटा लगाओ तो फ्रंट साइड से लगाओ। सो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आपकी रिंग जो है, यहाँ पर जो मिरर है अटैच हो जाएंगे। आप देख सकते हो, यहाँ तक पूरा हमने 7 टाइम यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, हर में हमें 7 टाइम या 8 टाइम लपेटा लगाया। तो ऐसे ही आपको लपेटा लगाते जाना, आपको पता चल जाएगा गाइस, क्योंकि आप जब लपेटा लगाओगे तो आपके जो रो है वहाँ भर जाएंगी। तो यहाँ मेरा भर चुका है, एंड अब मैं इसे बैक साइड निकाल दूंगी इस प्रकार से। एंड फिर से हम ये जो है कॉर्ड को, अब इस प्रकार से जो इधर की कॉर्ड है,
जो फ्रंट की तरफ, यहाँ भी अभी हम एट टाइम ही लपेटा लगाएंगे। जितना हम बैक साइड वाली कॉर्ड पे फ्रंट वाली रिंग पे लपेटा लगा रहे हैं, उतना ही हमें बैक साइड वाली भी रिंग पे लपेटा लगाना है, तभी आपके कॉर्ड एक बराबर जाएंगे। और जो फ्रंट वाली कॉर्ड थी उसको हम बैक साइड वाले रिंग पर निकाल दिए, और बैक साइड वाली रिंग का कॉर्ड फ्रंट साइड की रिंग पर निकाल कर, और इस प्रकार से जैसे मैं लपेटा लगा रही हूँ गाइज, आप ऐसे लगा के ट्राई करना, ट्रस्ट में बहुत ही ईजी से आपका जो यहाँ पर मिरर है अटैच हो जाएगा। और अगर आप कोई भी तरीका यहाँ पर ट्राई करोगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बट अगर आप ये इस तरीके से रिंग को अटैच करोगे तो आपका बहुत ही आसानी से यहाँ पर मिरर फिक्स हो जाएगा, ये आप देख सकते हो। और इस साइड वाले कॉर्ड को हमें बैक साइड से ही पाइप इन कर रहे हैं। सो गाइज, बस आपको यहाँ पर इतनी ही सी बात ध्यान रखनी है कि जब आप बैक साइड के रिंग पर लपेटा लगाओ तो बैक साइड के कॉर्ड से बैक साइड के रिंग पर, और फ्रंट साइड के कॉर्ड को फ्रंट साइड के रिंग पर लपेटा लगाओ। और एट एट टाइम मैंने लपेटा लगाया 8 बार, और नीचे जब मैं गई तो 6 या 7 बार ही मैंने लपेटा लगाया, क्योंकि नीचे जो हमारे नीचे से जैसे आप नीचे जाओगे तो थोड़ा छोट मिरर आपका नीचे की तरफ कम होता जाता है, जो रिंग होती है वो थोड़ी गोल होती है, तो इस प्रकार से आप एडजस्ट करते हैं। और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आप देख सकते हो। अब फ्रंट की रिंग कॉर्ड को मैंने बैक साइड की रिंग पर निकाल दिया है, एंड सेम मैं उसी प्रकार से लपेटा लगा रही हूँ 1, एंड इधर की कॉर्ड को मैंने फ्रंट साइड निकाल दिया है बैक साइड वाली कॉर्ड को, और इस प्रकार से मैं यहाँ पर लपेटा लगाऊंगी। सो गाइस, अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत ही आराम से लग जाएगा, एंड इसी प्रकार से करते हुए मैं पूरी रिंग को अच्छे से लपेटा लगा दूंगी, जिससे हमारा मिरर बहुत ही अच्छे से और टाइटली से फिक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पर लपेटा लगाते टाइम आप एक बात का ध्यान रखें कि जितना टाइम आप फ्रंट वाली रिंग पर लपेटा लगा रहे हो, मान लीजिए मैंने 8 टाइम फ्रंट वाली रिंग पर लपेटा लगाया है, तो उतनी टाइम आपको बैक साइड भी लपेटा लगाना है, ताकि आपकी जो कॉर्ड है वो एक साथ एक बराबर से चले। एंड इस प्रकार से क्रॉस में करते हुए आपको रिंग पर अटैच करते जाना है अपने कॉर्ड को, इस प्रकार से लपेटा लगाते हुए। सो आपका देखोगे कि मिरर बहुत ही टाइट से यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। सो गाइस, मैंने यहाँ बहुत ही डिटेल में दिखाया, बिल्कुल भी वीडियो को कट नहीं किया, आप देख ही सकते हो। एंड इसके बाद से जब हम लास्ट में आएंगे तो ये जो हमने कॉर्ड हमारे दो दो बच गए हैं, इस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ इसे कट कर कर यहाँ पर स्टिक कर देंगे। सो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ दोनों कॉर्ड को, एंड इस प्रकार से आपको स्टिक करके ये कॉर्ड हमारे यहीं पर ख़त्म हो जाने चाहिए। सो एक्स्ट्रा कॉर्ड को हम कट करके यहाँ पर स्टिक कर दिए हैं। सो ऐसे ही हम दोनों तरफ के कॉर्ड को कट कर कर यहाँ पर स्टिक कर लिए हैं, एंड फ्रंट की तरफ आप देख सकते हो हमारा मिरर पूरी तरह से फिक्स हो गया है गाइज, ये आप देख सकते हो साइड से। अब ये बिल्कुल भी नहीं निकलने का कोई चांस ही नहीं है, जब अगर आपका मिरर कभी ब्रेक होगा तभी ये इससे बाहर आएगा, अदरवाइज ये रिंग से बाहर आने वाला नहीं है। एंड इसके बाद से यहाँ पर नीचे के डिज़ाइन अब हमें कंटिन्यू करना होगा, तो मैं चार कॉर्ड को पकड़ते हुए सिंपल सी नॉट लगा रही हूँ गाइज। एंड यहाँ पर मेरे ग्रीन कलर के कॉर्ड अब थोड़े छोटे हो गए हैं, तो मैं इसमें 1 मीटर ऐड करूँगी, फिर उसके बाद से 1/2 मीटर ऐसे करके मैं ग्रीन वाले कॉर्ड ऐड करूँगी। सो आप भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड करना। यहाँ पर मैं एक रो का अपना नॉट लगा ली, और साइड के दो कॉर्ड मैंने छोड़ते हुए फर्स्ट लाइन में मैंने सिंपल सी नॉट लगा लिया, और दो दो कॉर्ड दोनों तरफ से छोड़ते हुए हम सिंपल वाले ही नॉट लगाते जाएंगे, तो कुछ हमारा वी शेप में डिज़ाइन कटते जाता है, ये आप देख सकते हो। मैंने दो कॉर्ड छोड़ दिया था, फिर से मैं नेक्स्ट रो में फिर दो दो साइड के कॉर्ड छोड़ते जाऊँगी, तो इस प्रकार से आपकी नॉट बनती जाएगी और लास्ट में आपका एक नॉट आएगा। सो गाइज, आप जब भी कॉर्ड अटैच करो तो ऊपर से पूरा मैंने यहाँ पर ये आप देख सकते हो, इस प्रकार से मैंने इसे डिज़ाइन को कट कर लिया है ऐसे। इस प्रकार से आपका जब डिज़ाइन आ जाएगा तो जो यहाँ हमारे दो कॉर्ड है इनको हमें इस प्रकार से लेना होगा, साइड के सबसे ऊपर के दो कॉर्ड मैंने लिए, एंड उस पर मैं ये सभी कॉर्ड को पाइप इन करूँगी। तो सेम इस साइड भी मैं ऐसे ही पाइपिंग करूंगी, दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड आपको ऐसे ही पाइपिंग करना होगा। एंड यहाँ पर मैंने पाइपिंग कर लिया है, एंड जो बीच में हमारी 4 कॉर्ड आ रही हैं इसमें से हम जो ये बीच के हमारे 2 कॉर्ड हैं इसमें मैंने ब्लू कलर का बीट यहाँ अटैच किया है, एंड फिर से हम इसे दोनों तरफ डिवाइड करके इस प्रकार से अब कॉर्ड को यहाँ पर पाइपिंग कर रहे हैं गाइस।
सो दोनों तरफ आपको ऐसे ही पाइपिंग कर लेना होगा, सभी कॉर्ड को इसी पर इस प्रकार से इस शेप में आपको पाइपिंग करना है। तो यहाँ मैंने पाइपिंग कर लिया है एंड इस प्रकार से आपकी कॉर्ड आ गई होंगी यहाँ पर। सो यहाँ पर अब हमें सिंपल सा ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपकी कॉर्ड खत्म हो जाएगी। तो मैं 1.5 मीटर का फर्स्ट टाइम जब मैं कॉर्ड अटैच करी थी, यहाँ मैंने 1.5 मीटर का कॉर्ड अटैच किया गाइस, क्योंकि ये हमारे पीच कलर वाले हैं और काफ़ी पहले ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ 1.5 मीटर का आप कॉर्ड अटैच कर लेना, इस प्रकार से आपको अटैच करना होगा। मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस, इस प्रकार से आप 1.5 मीटर के कॉर्ड कट करना और यहाँ पर इस प्रकार से स्टिक कर दोगे तो ये अटैच हो जाएगी अच्छे से। अब हम अपने आगे का डिज़ाइन कंटिन्यू करने के लिए फिर से बीच के हम 4 कॉर्ड को पकड़ लेंगे। ये जो बीच के हमारे 4 कॉर्ड हैं, यहाँ से हम अपना आगे का डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। हमें पॉकेट बनाने के लिए हम अब यहाँ डिज़ाइन डाल रहे हैं, तो सिंपल से हम नॉट लगाते जाएंगे। अब इसके जो 2 कॉर्ड हैं जो और ये साइड के 2 कॉर्ड यानी 4 कॉर्ड फिर से हम लेंगे, नॉट के 2 कॉर्ड लिए हैं और 2 साइड के कॉर्ड लिए हैं और इस प्रकार से हम नॉट लगाएंगे। सेम ऐसे ही हम इस साइड भी करेंगे, इधर भी आप नॉट के 2 कॉर्ड और 2 साइड के कॉर्ड को लेते हुए इस प्रकार से 4 कॉर्ड को लेते हुए हम सिंपल सी नॉट लगा रहे हैं। सो इस प्रकार से आप देख सकते हो, आपको ऐसे ही पूरा तब तक करना है जब तक कि आपका पूरा एक बराबर ना हो जाए। सो ऐसे ही हम 4 कॉर्ड को पकड़ते हुए नॉट लगाते जाएंगे गाइस, तब तक जब तक कि हमारी पूरी ये जो कॉर्ड है एक बराबर सी नॉट ना लग के तैयार हो जाए। सो गाइस आप देख सकते हो पूरा एक लेवल पे मैंने नॉट लगाकर इसे एक लाइन में कर लिया है, इस प्रकार से एक बराबर हो गई हैं। एंड यहाँ पर जो साइड के हमारे कॉर्ड हैं, यहाँ पर आप 4 कॉर्ड को लेते हुए आपको सिंपल सी नॉट लगानी होगी। अब हम पॉकेट के लिए बुनेंगे और ऑलरेडी मैंने पॉकेट का आप लोग के साथ एक डिज़ाइन शेयर किया था जिसमें मैंने बहुत अच्छे से पॉकेट अटैच करना बताया था, 4 पॉकेट वाला मैंने वॉल हैंगिंग बता रखा है। लेकिन इसमें भी मैंने बताने की कोशिश की है गाइस, यहाँ साइड के आप देख सकते हो इस तरह से 4 कॉर्ड को हमने फिर से लिया है एंड यहाँ साइड के 2 कॉर्ड को आपको नेक्स्ट रो में छोड़ देना होगा एंड इस प्रकार से नॉट लगानी होगी। बहुत ही इजी तरीका है गाइस, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हो मैंने 4 पॉकेट वॉल हैंगिंग बता रखा है, उसमें बहुत ही आराम से और ईजी से मैंने आपको सिखाया है एंड यहाँ भी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट रो में आप देख सकते हो जब मैंने नॉट लगाया तो 2 साइड के कॉर्ड छोड़ दिए, बट नेक्स्ट लाइन जब मैं कॉर्ड नॉट लगाऊंगी तो जो साइड के 2 कॉर्ड छोड़ रखे थे उसको लेते हुए नॉट लगाऊंगी तो साइड में आपको होल जैसी दिखेगी। यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये जो होल जैसे दिख रही है ना, इसी में डालते हुए आपको पॉकेट अटैच करना होगा। तो ऐसे हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे, इस साइड भी आप देख सकते हो ऐसे ही मैंने कर दिया है। सो ऐसे ही साइड से आपकी होल बनती जाएगी, फिर से आप 2 कॉर्ड को छोड़ते हुए नॉट लगाओगे, फिर नेक्स्ट रो में आप उन 2 कॉर्ड को लेते जाओगे। तो ऐसे अगर आप करते जाओगे ना तो आपके साइड में ये आप देख सकते हो होल जैसा बनते जाएगा यहाँ पर। तो टोटल हमने यहाँ पर तब तक कंटिन्यू रखा जब तक हमारे 8 यहाँ पर होल नहीं दिखते हैं, ये आप देख सकते हो साइड से आपको 8 इस प्रकार के होल दिखने चाहिए, इस साइड और इस साइड दोनों साइड मिला के आपको 8-8 होल दिखने चाहिए। तो जब 8-8 होल तैयार हो जाए तो उसके बाद से आपको डिज़ाइन कट करना होगा, जैसे यहाँ पर ऐसे हो रखा है ना, बिल्कुल ऐसे आपको यहाँ पर कट करना है। तो साइड के 2-2 कॉर्ड छोड़ते हुए जब आप नॉट लगाते जाओगे ना तो वो वी शेप में कट हो जाती है ऑटोमेटिक से। सो फिर से यहाँ पर फर्स्ट राउंड में छोड़ा था, फिर सेकंड राउंड में भी हम 2-2 कॉर्ड छोड़ते जाएंगे, ऐसे आप हम हर राउंड में हर लाइन में 2-2 कॉर्ड छोड़ते जाओगे गाइस तो वो वी शेप में ऑटोमेटिक से आती जाती है। सो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है एंड यहाँ पर जो साइड के 2 कॉर्ड हैं ऊपर के वहाँ से मैं लेते हुए इसे पाइपिंग कर रही हूँ। इस प्रकार से सिंपल सा आपको पाइपिंग करना होगा सभी कॉर्ड को लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से। एंड सेम इसी प्रकार से हम इस साइड भी 2 कॉर्ड को लेते हुए सभी कॉर्ड को इस पर पाइपिंग करते जाएंगे। सो यहाँ पर मैंने पाइपिंग कर लिया है एंड जो ये वाला आपको हिस्सा दिख रहा है इस वाले हिस्से पे हम अपना पॉकेट अटैच करेंगे। तो पॉकेट अटैच करने के लिए आप देख सकते हो 8 पीस मैंने सी ग्रीन कलर का कॉर्ड कट किया और 8 पीस हमने पीच कलर का कॉर्ड कट कर दिया है एंड इसकी मैं आपको नाप बता देती हूँ गाइस। मैंने 1 कॉर्ड का जो लेंथ यहाँ पर रखा है ये आप देख सकते हो, मैंने 36 इंच रखा है गाइस यहाँ पर। तो मैंने टोटल
8 कॉर्ड कट की है एंड 36 इंच की कट की है, तो टोटल 16 कॉर्ड हमने यहाँ पर कट की है। सो इस प्रकार से दो कॉर्ड को पकड़ते हुए यहाँ पर मैं सिंपल सा इसको एक दूसरे पर इस प्रकार से रख लेना होगा एंड यहाँ से इस प्रकार से ऐसे आपको सिंपल सी नॉट लगानी होगी, बिल्कुल एक बराबर करते हुए आप इस प्रकार से डिज़ाइन को कंटिन्यू करो। यह देख सकते हो सेम मैंने नॉट लगा लिया सिंपल वाली, ऐसे ही हम सभी कॉर्ड का नॉट लगा लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने पीच कलर के भी दो कॉर्ड लिए और उन्हें इस प्रकार से बराबर कर लिया और एक दूसरे के ऊपर से आप देख सकते हो ओवरलैप करते हुए एंड जो साइड के हमारे दो कॉर्ड हैं दोनों तरफ इनसे हम नॉट लगा रहे सिंपल वाली। तो इस प्रकार से हम सिंपल वाली नॉट लगा लेंगे, ऐसे हम सभी का डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो दो को हमने ज्वाइंट कर दिया है। तो इस प्रकार से हमने ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर इन सभी को एक दूसरे में इस प्रकार से आपको ज्वाइंट करना होगा, सेम नॉर्मल से चार चार कॉर्ड को पकड़ते हुए हम सिंपल सी नॉट लगा रहे हैं, तो हमारा डिज़ाइन जो ये जो पट्टी है ये एक दूसरे से अटैच हो जाएगी सारे कॉर्ड। तो यहाँ पर सभी कॉर्ड एक दूसरे से अटैच हो गए हैं बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हो एंड अब हम अपना पॉकेट पे अब हम अपने जो वॉल हैंगिंग है उस पर इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो साइड में हमने होल जैसा दिख रहा होगा उसमें आप दोनों साइड के कॉर्ड को इसमें अटैच कर दो इस प्रकार से। तो इस प्रकार से मैंने दोनों तरफ से डाल लिया एंड चार चार कॉर्ड को पकड़ते हुए हम सिंपल सी नॉट लगाएंगे। एंड यहाँ पर हमें बहुत ही टाइट सी नॉट लगानी है गाइस, ऐसे ही टाइट टाइट नॉट लगाते हुए हम अपनी ये वाली लाइन को कंप्लीट कर लेंगे इस प्रकार से। सो यहाँ फर्स्ट लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है, अब सेकंड लाइन के लिए मैं दो दो कॉर्ड को छोड़ते हुए फिर चार कॉर्ड को पकड़ते हुए नॉट लगाऊंगी। इसी प्रकार से हम पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे एंड नेक्स्ट लाइन में जो हमने ऊपर दो कॉर्ड छोड़ रखी इसे लेते हुए हम नॉट लगाएंगे, बट उससे पहले इसे जो साइड के होल हैं इसमें इस प्रकार से फंसा लेंगे। इस प्रकार से डालते हुए अब हम सिंपल वाली नॉट लगा लेंगे। सो मैंने डाल लिया और अब मैं सिंपल वाले नॉट लगा रही हूँ। ऐसे आपको पूरे डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है गाइस, फिर से हम ऐसे ही अपनी पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ तक जब तक कि हमारा होल पूरी कवर ना हो जाए तब तक हम कंटिन्यू कर देंगे डिज़ाइन को। सो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे होल मैंने कवर कर लिए हैं एंड इस प्रकार से यहाँ पर अगर आप ऊपर से काउंट करोगे गाइस तो मैंने 8 जो हमारे होल थे हम सभी को कवर कर लिया है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दो कॉर्ड साइड के दिए हैं एंड इस प्रकार से इसमें हमें अटैच करना होगा बैक साइड की तरफ। जो हो जिस होल में से हमने डाल के डिज़ाइन बनाया था उसी होल में से मैं इसे बाहर की तरफ निकाल रही हूँ बैक साइड की तरफ, किसी नुकीली चीज उसकी हेल्प से आप निकालें बाहर के बैक साइड की तरफ। ये बैक साइड मैं इसको कर रही हूँ। एंड यहाँ पर आपको होल दिख रहा होगा हर डिज़ाइन के बीच बीच में, तो यहाँ पे दो कॉर्ड को मैं इसके जो ठीक बैक साइड जो हमने बुना है उसमें आपको होल जैसा दिख रहा होगा उसमें मैं इसे डाल रही हूँ। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे उस वाले पॉकेट वॉल हैंगिंग को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा गाइस, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस पॉकेट को आपको कैसे अटैच करना। सेम उतनी ही बड़ी पॉकेट और उतनी ही जो मैंने बिल्कुल अटैच की है सेम वही डिज़ाइन से एंड सभी कॉर्ड को मैं बैक साइड की तरफ इस प्रकार से निकालती जाऊँगी। तो इस प्रकार से चार कॉर्ड दो इस नॉट के और दो इस नॉट के लेते हुए यहाँ जो होल दिख रहा होगा उसमें आपको डाल लेना है। तो सभी कॉर्ड को मैंने डाल दिया बैक साइड की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो एंड इस प्रकार से मैं खींच लूँगी अच्छे से इन्हें खींचते हुए टाइट कर लूँगी एंड अब हम इसे कट करके अगर स्टिक करेंगे तो आपको स्टिक करने का मैं एक ही बस तरीका बताती हूँ। दो कॉर्ड को आपको लेना है इस प्रकार से कट करना है एंड इन दोनों को आपको स्टिक करके यहाँ पर इस प्रकार से इन्हें जलाकर स्टिक कर देना होगा। सेम ऐसे ही हम इसे भी कट करके इन सभी को इसी प्रकार से एक दूसरे के साथ इसी प्रकार से स्टिक करते जाएंगे कट कर करके। ऐसे हम सभी कॉर्ड को कट करके स्टिक कर देंगे गाइस, तो बहुत ही अच्छे से आपका फिनिशिंग के साथ यहाँ पर पॉकेट अटैच हो जाएगा।
सो यहाँ पर मैंने पॉकेट को कट कर अटैच कर दिया। और ये बैक साइड से देख सकते हो कितना फिनिशिंग के साथ हमारा पॉकेट यहाँ पर अटैच हुआ है गाइस। एंड इसके बाद से जो बीच के हमारे चार ग्रीन कलर के कॉर्ड थे उसमें से बीच वाले दो कॉर्ड पे मैंने रेड कलर के बीट अटैच किए और इन्हें दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया है। एंड जो हमारे कॉर्ड आ रहे हैं उन्हें हम इस पर पाइपिंग करेंगे सिंपली सा इस शेप में, जैसा कि हम ऊपर करते आ रहे हैं। सो मैंने यहाँ पर पाइपिंग कर लिया है। एंड अब हम बीच वाले जो यहाँ पर जो डिज़ाइन डाला है सेम वैसे ही हम यहाँ भी प्रोसेस करेंगे। बीच से चार कॉर्ड को उठाते हुए हम डिज़ाइन अपना नॉट लगाना स्टार्ट करेंगे गाइस, और तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारा एक बराबर ना हो जाए। सो यहाँ पर मैंने एक बराबर बुन लिया और इसके बाद से मैंने अपनी चार नंबर वाली रिंग ली है। ये हमारी फोर नंबर वाली रिंग है और इस पे हम सभी कॉर्ड को इस प्रकार से अटैच कर रहे हैं। सो यहाँ सभी कॉर्ड को मैंने इस रिंग पर अटैच कर दिया है। एंड इस प्रकार से आपको सभी कॉर्ड को बैक साइड निकाल लेना होगा। इसको इस प्रकार से अगर आप प्रेस करोगे तो आपकी रिंग जो है इस प्रकार से हो जाएगी इस तरह से। सो जब आपकी रिंग ऐसे हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हो गई है हमारी रिंग। एंड इसमें आप अपने सामान, ये हमारा होल्डर है इसमें हम कंघी वंघी अपनी रखते हैं। एंड ऊपर के साइड यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दो पीच कलर के और दो सी ग्रीन कलर के कॉर्ड कट किए हैं। और ये हमारे 3.5 और 4 मीटर हैं। जो पीच कलर वाला है वो हमारा 3.5 मीटर है और जो ग्रीन कलर वाला है वो हमारा 4 मीटर है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से हमने इसे अटैच किया है। इस प्रकार से मैंने ये जो ग्रीन वाला मेरा कॉर्ड है ये मेरा 4 मीटर का है गाइस। तो सबसे पहले मैं ग्रीन वाला कॉर्ड यहाँ अटैच कर रही हूँ। जैसा मैंने इस साइड लेफ्ट साइड अटैच किया वैसा ही अब मैं राइट साइड अटैच कर रही हूँ। तो ये हमारा 4 मीटर का कॉर्ड है। एंड ये जो पीच कलर वाला है ये हमारा 3.5 मीटर का कॉर्ड है। और इस प्रकार से मैं सिंपल सी नॉट लगाऊंगी। वन साइड वाली अब हमें नॉट लगानी है गाइस। पूरे टाइम मैं वन साइड वाली नॉट लगाऊंगी। तो इस प्रकार से हमें दोनों तरफ वन साइड वाली नॉट लगा ली है। ये आप देख सकते हो मैंने एक साइड का पूरा यहाँ पर बेल्ट अपना बनाकर तैयार कर लिया है। और यहाँ पर जब तक आपकी रिंग में ये अच्छे से आप एक जगह हैंग करके ऊपर से अच्छे से काउंट कर सकते हो। ये आप देख सकते हो ऊपर वाले में हमने 6 6 बनाया और नीचे वाले में 4 8 जो आपको दिख रहे हो ऊपर 6 है और नीचे 4 है। मैं आपको एक बार मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हो ऊपर अगर आप देखोगे तो 5 इंच मैंने बुना है और इसे भी मैंने 5 इंच ही बुना है। बीट को मैंने नहीं काउंट किया। ये यहाँ पर आप देख सकते हो 5 5 इंच मैंने बुन लिया है और यहाँ पर मैं 4 इंच बुनी हूँ। एंड यहाँ तक ये टोटल हमारी इसकी लंबाई आई है 15 इंच। आप देख सकते हो टोटल लंबाई हमारी 15 इंच है। एंड इस साइड भी हम ऐसे ही बुन लेंगे सेम तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हो इतना तक मैंने बुन लिया। अब इसमें हम बीट अटैच करेंगे। तो चार कॉर्ड को पकड़ते हुए बीट अटैच करना है गाइस। बहुत मुश्किल से मेरे बीट इसमें गए हैं। तो अब बीट देख लेना अच्छे साइज का ही जो होल वाला उसे चूज़ करना। तो इस प्रकार से मैंने 4 कॉर्ड में इस प्रकार से बीट को अटैच कर लिया है। एंड अब हम अपने पीच कलर वाले से नॉट लगाएंगे। पहले मैंने सी ग्रीन वाले से लगाया था, अब हम पीच वाले से नॉट लगा रहे हैं। और ये आप देख सकते हो वन साइड वाली हम नॉट लगा रहे हैं जिससे आपको इस प्रकार से चोटी नुमा डिज़ाइन आता है। ये बहुत ही अच्छा लुक देता है इसलिए मैं हमेशा ये वाले नॉट का यूज़ करती हूँ बेल्ट बनाने में। तो ये आप देख सकते हो 5 इंच है। तो इतना ही मैं 5 इंच तक इसे भी बुनूंगी। सो 5 इंच तक मैंने बुन लिया है। ये आप देख सकते हो इससे भी आप मेजर कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैं ब्लू कलर का बीट अटैच करूँगी 4 कॉर्ड में। एंड यहाँ पर आप मेज़र कर लो एक बार इससे साइड वाले से कि आप उसी के अकॉर्डिंग लेंथ रखना, छोटी बड़ी मत बनाना वरना आपके जो हैंगर है वो इधर उधर हो जाएंगे। एंड अब मैं अपना नेक्स्ट ग्रीन कलर से सिंपल सी नॉट लगा रही हूँ और दोनों को आप देख सकते हो मैंने एक बराबर बुन लिया, बिल्कुल एक बराबर। यहाँ बीचों बीच में हमें इसे रिंग पर अटैच करना होगा इस प्रकार से। तो
दोस्तों यहाँ पर रिंग में अटैच करने के लिए आप देख सकते हो जो हमारे ग्रीन कलर वाले हैं मैं उसे साइड में निकाल दूंगी और बीच में मैं दोनों पीच कलर वाले को अटैच कर रही हूँ। सो इस साइड भी मैं दोनों पीच वाले को अटैच करूंगी अंदर की तरफ और ग्रीन वाले को बाहर की तरफ अटैच करूंगी। सो यहाँ पर मैंने बीच में पीच कलर के कॉर्ड अटैच कर दिए, साइड में हम अपने ग्रीन वाले कॉर्ड को अटैच कर रहे हैं इस प्रकार से। सेम ऐसे ही मैं लेफ्ट साइड भी अपने कॉर्ड को अटैच कर लूंगी रिंग में। सो यहाँ हमारे सभी कॉर्ड रिंग में अटैच हो गया। अब आप देखोगे कि आपको दोनों तरफ रिंग में स्पेस दिख रहे होंगे गाइज, इतने थोड़े थोड़े से स्पेस दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये हमारा 1.25 मीटर का कॉर्ड है और 6 कॉर्ड हमने कट किया है ग्रीन कलर का। सो इस प्रकार से हमने इसे डबल कर लिया है तो ये हमारा 1.25 मीटर का कॉर्ड है गाइस, 1.25 मीटर का कॉर्ड है। 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर और मैंने कट किया है यानी 1.25 मीटर का कॉर्ड है। और इस साइड भी मैं इसे अटैच कर रही हूँ, 3 कॉर्ड हैं तो टोटल 6 कॉर्ड हमने अटैच किए हैं। और ये जो बीच वाला हमारा 4 कॉर्ड है इसे हम पकड़ते हुए इस प्रकार से सिंपल सी नॉट लगाएंगे एंड पूरे रिंग में हम इसी प्रकार से एक लाइन नॉट लगा लेंगे। सो यहाँ पूरी रिंग में आप देख सकते हो मैंने चारों तरफ नॉट लगा लिया है एक लाइन। अब मैं नेक्स्ट लाइन ऐसे ही नॉट लगाऊंगी, तब तक हमें नॉट लगाना है जब तक कि हमारा आपको जितनी लेंथ रखनी हो अपने इस हैंग की होल्डर की उतने ही तक आप बुनो। सो मैं टोटल यहाँ पे 15 लाइन बुनने वाली हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ तक पूरा ऊपर से अगर आप काउंट करोगे इस वाले को तो टोटल 8 आपको दिखेंगे। तो सबसे इजी तरीका है कि आप इधर साइड से अगर काउंट करोगे तो आपको 15 लाइन बुनने होंगे, बट अगर आप सामने से काउंट करके इसे बनाते हो तो ये 8 है, आप काउंट कर सकते हो ऐसे 8। जब आपको पीच कलर के नॉट दिखेंगे तो आपको डिज़ाइन स्टॉप कर देना होगा। आप चाहो तो और भी बुन सकते हो बट मैंने स्टॉप कर दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे जो जितने भी कॉर्ड हैं हम इसे पकड़ते हुए सिंपल सी नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कॉर्ड कट कर लिया है, ये आप देख सकते हो 20 इंच का मैंने एक कॉर्ड कट किया है एंड इस प्रकार से हम इससे लपेटा लगाएंगे। तो इस सबसे पहले मैं इसे इस प्रकार से चलाकर यहाँ पर स्टिक कर दूंगी ताकि ये हमारा कॉर्ड पहले इस पर सिक्योर हो जाए। उस कॉर्ड को आपको पकड़ लेना क्योंकि अगर आप डायरेक्ट खींचोगे तो वो कॉर्ड निकल जाएगी, तो उसको बहुत तेज़ी से ना खींचिए, आप इस वाले कॉर्ड को बहुत टाइट से लपेटा लगाएं। सो इस प्रकार से मैं कॉर्ड का लपेटा लगा ली हूँ और यहाँ पर आ गई हूँ और इसे मैं इस प्रकार से जलाकर यहाँ पर चिपका दूंगी। तो यहाँ पर स्टिक कर देने के बाद ये आप देख सकते हो जो आपको लूज लूज कॉर्ड दिख रहे होंगे तो इस प्रकार से आप 1-1 कॉर्ड को खींचते जाओ ताकि हमारे जो टोकरी है बिल्कुल एक टाइट सी इस प्रकार से हो जाए। सो मैंने सभी को खींच लिया एंड यहाँ से मैं 5 इंच पे कट कर रही हूँ गाइस क्योंकि सबसे जो छोटी कॉर्ड थी मेरी 5 इंच की थी तो मैं वहीं तक कट करूँगी। तो यहाँ तक मैंने कट कर लिया है एंड इस प्रकार से मैं 2 कॉर्ड को पकड़ते हुए इसमें रेड कलर का बीट अटैच करूँगी एंड रेड कलर का गदा अटैच करूँगी एंड इसे स्टिक कर चिपका दूँगी। सेम ऐसे ही हम पीच कलर वाले में मैं ब्लू कलर का यहाँ डाल रही हूँ, ब्लू कलर के बीट डाल दिए एंड ब्लू कलर का गदा एंड स्टिक कर रही हूँ
तो टोटल हमने 26 पीस यहाँ गदा लगेंगे गाइस। सो यहाँ पर हमारा मिरर वॉल हैंग बनकर पूरी तरह से रेडी हो गया। आप देख सकते हो ये बहुत ही बिग साइज का है गाइस। जब आप इसे ट्राई करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसे बनाने में बहुत टाइम आता है, बट ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। एंड आप देख सकते हो लुक बहुत ही प्यारा आता है गाइस। एंड यहाँ पर मैंने इसे फ्लावर लगाकर डेकोरेट कर दिया। अगर आप ये फ्लावर सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको इसे बनाना बता दूंगी। सो इस प्रकार से मैंने इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। एंड यहाँ पर हमारा मिरर वॉल हैंगिंग पूरी तरह से बन के रेडी हो गया है। सो ये था मेरा मिरर वॉल हैंगिंग डिज़ाइन वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। एंड अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए। सो गाइज मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।